ओके तो फ्लेक्जरल फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अजम्पशंस लिखते हैं, राइट? अजम्पशंस, अजम्पशंस फर्स्ट है हमारा कि बीम इज अंडर, द बीम इज अंडर प्योर बेंडिंग केस। ओके, प्योर बेंडिंग का केस है मतलब हम उस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, जीरो है, और उस सेक्शन के बीच में हमारा क्या है, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है। फिर दूसरा अजम्पशन हमारा होता है द प्लेन सेक्शन, प्लेन सेक्शन ऑफ बीम रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब क्या है, प्लेन सेक्शंस रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। इसका अर्थ है कि जैसे ही हमारी को ये बीम है, राइट, ये क्या है, हमारी बीम है, जब इस बीम का हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, एक पी लोड लगा रहे हैं, हमारे कैसी ये बीम कैंटिलीवर है। ओके, कैंटिलीवर बीम में जैसे ही हम पी लोड लगाएंगे तो ये बीम कुछ इस तरह से डिफॉर्म होगी, राइट, इस तरह से बीम डिफॉर्म होगी, और यहाँ पे इसका जो क्रॉस सेक्शन पहला कैसा प्लेन है वो कैसा हो जाएगा, आप इस तरह से बीम हो जाएगी, राइट, और बीम जो है वो इस तरह से डिफॉर्म होगी, राइट, मतलब यहाँ पे इस सेक्शन कुछ इस तरह से कर्वी लीनियर बन जाएगा। तो हमारा अजम्पशन कह रहा है कि ये जो सेक्शन है वो इस तरह से कर्वी लीनियर ना रहते हुए कैसा रहेगा हमारा, यहाँ पे ये जो सेक्शन है वो कर्वी लीनियर नहीं रहते हुए कैसा रहेगा हमारा, प्लेन रहेगा। प्लेन का अर्थ क्या हो गया, हमारा सेक्शन है इस तरह से, यहाँ पे हमारा सेक्शन किस तरह से रहेगा, इस तरह से। द सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, मतलब हम इस तरह के कर्वी लीनियर या नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ का, हमारा जो सेक्शन है वो इस तरह से भी ना हो तो फिर कैसा रहेगा, ये जो इस तरह से है कर्व ना रह के इस तरह से बेंड होगा, राइट, ये इस तरह से बेंड होगा, इस तरह से बेंड होगा। इसका मतलब क्या है कि जो इसमें जो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बीम इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और यहाँ पे इलोंगेशन हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रेक्शन और इलोंगेशन है ये मतलब इस फाइबर से क्या है, लीनियरली वेरी कर रहा है, राइट, यहाँ पे ये इस तरह से लीनियरली वेरी कर रहा है। तो हमारा जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन जो है वो लीनियरली वेरी करेगा थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, वेरी लीनियरली अलोंग क्रॉस सेक्शन। तो ये हमारा अजम्पशन होता है कि प्लेन सेक्शंस रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। अगला अजम्पशन हम लेते हैं कि हमारी बीम कैसी है, होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक है। द मटेरियल ऑफ बीम इज व्हाट, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि बीम के थ्रू आउट द लेंथ हमारी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए हम इस अजम्पशन का पर्पस है कि द डेंसिटी ऑफ इज कांस्टेंट अलोंग द लेंथ, मतलब थ्रू आउट द लेंथ हमारी बीम की क्या है, डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। आइसोट्रोपिक का मतलब है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, आइसोट्रोपिक हम किस लिए यूज करते हैं, जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन। ओके, मतलब सभी डायरेक्शन में हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसलिए हम आइसोट्रोपिक अजम्पशन लेके चलते हैं।
फिर हमारा क्या है कि द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज व्हाट, कॉन्स्टेंट और इक्वल Equal in tension and tension compression and okay tension और compression में हमारा modulus of elasticity क्या है, constant है। ये हम कुछ assumption लेके चलते हैं for theory of pure bending, right? अब हम flexural formula derive करते हैं। तो flexural formula derive करने के लिए हम सबसे पहले एक beam draw करते हैं। हमारी beam कहाँ है, ये कोई बीम है, ओके okay? इस बीम को हम प्योर बेंडिंग के केस में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या रिएक्शन है, रिएक्शन है, और यहाँ पे कोई मोमेंट एम लग रहा है और यहाँ पे कोई मोमेंट एम लग रहा है। अगर इस तरह से मोमेंट लगता है हमारा ए से बी के बीच में बीम कैसी है, प्योर बेंडिंग में आएगी। तो इसके लिए हम फ्लेक्चरल फार्मूला डिराइव करते हैं। फ्लेक्चरल फार्मूला हमें पता ही हमारा क्या है, एम ओपन वाई, एम ओपन आई इज इक्वल टू एफ बाई वाई इक्वल टू वॉट ई बाई आर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेक्शन कट करते हैं, एलिमेंट कट करते हैं, जिसकी लेंथ हमारी क्या है, डी एक्स है, ओके डी एक्स लेंथ है। और यहाँ पे ये क्या है, ए है, ये बी है, इसको हम एम एन भी बोल सकते हैं, ओके okay? हमारे हिसाब से ए बी, यहाँ पे सी एंड डी। इस सेक्शन को मैंने कट किया, तो जब इस सेक्शन को कट किया और यहाँ पे कोई लोडिंग है, इस लोडिंग के अकॉर्डिंग होगा बीम इस तरह से बैंड होगी, राइट? हमारी जो बीम है वो इस तरह से बेंड होगी। थोड़ा और अच्छा बनेगा, ओके। ये बीम जो है वो इस लोडिंग के कारण क्या होगी, यहाँ पे ये बीम बेंड होगी। तो हमारा जो सेक्शन होगा, ये सेक्शन भी क्या होगा, बेंड होगा। तो ये जो ए बी है वो लाइन हमारी किस तरह से होगी, इस तरह से, ये इनक्लाइंड होगी और ये इधर इनक्लाइंड हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पे जो एलिमेंट है जिसकी डिस्टेंस हम मैंने कितनी मानी है, डी एक्स मानी है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर मैं वर्टिकल ड्रॉ कर रहा हूँ और एक वर्टिकल हम यहाँ पे ड्रॉ कर, इस पॉइंट पे कितना हो रहा है, यहाँ से लेके इतना क्या हो रहा है, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ आ रहा है, इसका लॉन्गेशन हो रहा है और इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इन प्लेन को, इस लाइन को जहाँ पे लॉन्गेशन कॉन्ट्रैक्शन हमारा क्या है, स्ट्रेन हमारा जीरो है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन हमारा क्या है, जीरो है। इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल एक्सिस, क्या कहते हैं, तो न्यूट्रल एक्सिस की अगर न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे अप्लाई करता है, हमारा जनरल सेंट्रल पे लाइक है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। इस न्यूट्रल एक्सिस को यहाँ पे हम कह सकते हैं ये के है और यहाँ पे ये क्या है, एल है। तो के एल की लेंथ हमारी क्या होती है, क्या होती है, डी एक्स, के एल हमारी क्या है, डी एक्स। यहाँ पे भी इस के एल की लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, ये लेंथ हमारी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, ये लेंथ हमारी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। अगर हम एक फाइबर, लेकिन अगर एक फाइबर एक एलिमेंट यहाँ पे ले, यहाँ पे इसको जिसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पे इसको हम क्या डिनोट करते हैं, एम, और यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं क्या, और यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं हम क्या, ओ, ओपी पहले तो कितना था, ओपी पहले कितना था, कितना, अब लॉन्गेशन के बाद ओपी कितना हो जाएगा हमारा, इस तरह से आ जाएगा हमारा ओपी, ये ओ पी, ओपी हमारा, ओपी हमारा कितना होगा एलोंगेशन के बाद, मतलब अब इसमें लेंथ चेंज हो गई है, राइट? अब डी एक्स के बराबर नहीं होगा और हमारा एम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो एम में हमारा क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये एम एम, उसकी लेंथ हमारी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो अब हम क्या निकालते हैं, स्ट्रेन निकालते हैं, ओके। तो स्ट्रेन हमारा क्या होता है, स्ट्रेन इन लेंथ
डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया। ओके, तो चेंज इन लेंथ मतलब क्या होता है कि मतलब जो OP की ओरिजिनल लेंथ है और O डैश और P डैश की जो फाइनल लेंथ है, अगर इसको हम O डैश P डैश माने और इसको M डैश और N डैश माने, तो चेंज इन लेंथ हमारी क्या रहेगी? इस फाइबर पे देखें, फाइबर वन पे देखें, तो होगी क्या? चेंज इन लेंथ होगी हमारी O डैश P डैश माइनस OP डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, उसकी कितनी है? OP है, राइट। यहाँ पे OP कितना है हमारा? OP हमारा है dx के बराबर, राइट। OP कितना है हमारा? dx के बराबर। अब इन कर्वी लीनियर लाइंस की लेंथ हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? एक ये जो बीम है प्योर बेंडिंग बेंड कर रहा है, तो मतलब रेडियस कर्वी थ्रू आउट इस पॉइंट से लेके यहाँ तक हमारा क्या मान रहे हैं हम? कॉन्स्टेंट मान रहे हैं, राइट। तो ये हमारा क्या? एक सर्क्यूलर आर्क है, उसकी यहाँ पे ये क्या है? रेडियस, राइट। इसकी रेडियस कितनी है? आर है। अगर हम एक पॉइंट ये लेते हैं और दूसरा पॉइंट हम ये लेते हैं, हमारा आर किस तरह से बनेगा? कुछ इस तरह से, राइट। और इनके बीच में जो एंगल कितना है वो कितना है हमारा? थीटा है। ओके, तो हमने रेडियस सर्कुलर प्रॉपर्टी में देखा था कि अगर इसकी रेडियस आर है और ये थीटा है, तो हम आर्क की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। आर्क की लेंथ थीटा इज इक्वल टू व्हाट? आर्क ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट? आर्क ऑफ रेडियस। रेडियस यहां पे आर्क की वैल्यू कित आर्क कितना है हमारा? आर्क हो जाएगा हमारा के एल, राइट। आर्क क्या है हमारा? आर्क क्या है हमारा? एल। तो के एल में आर्क की लेंथ हमने मानी है डीएक्स। के हमारा इलोंगेट हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आर्क की लेंथ हो जाएगी हमारा डीएक्स। और रेडियस कितना है हमारा? न्यूट्रल एक्सिस पे हम देखेंगे तो रेडियस हमारी कितनी है? आर है। तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? आर। डीएक्स इज इक्वल टू व्हाट? डीएक्स इज इक्वल टू थीटा इनटू केएल। ये हमारे पास इज़ इक्वल टू थीटा इनटू। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं ओपी कर्व हमारा क्या है? इसी का ओपी कर्व की लेंथ। इस तरह से ओपी कर्व हमारा क्या है? इसी का ओडेश आगे का है। पी क्या है? पी डैश। इस तरह से हम मानते हैं कि के से यहां पे ये ओडेश है और यहां पे ये क्या है? तो हम मानते हैं कि के से ओडेश डिस्टेंस है, ठीक नहीं? मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से ओपी, इसे हमने क्या माना है? वाई माना है। ये डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से ओपी की, इसे हमने क्या माना है? वाई माना है। यहां पे इसका कितना हो जाएगा? हमारा रेडियस हो जाएगा आर प्लस स्मॉल वाई थीटा इज इक्वल टू व्हाट? यहां पे हमारा थीटा इज इक्वल टू व्हाट? आर क्या होगा यहां पे? ओ डैश पी डैश डिवाइडेड बाय व्हाट? आर प्लस वाई। ओके, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? ओ डैश पी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओ डैश पी डैश की वैल्यू हो जाएगी, ओ डैश पी डैश की वैल्यू हो जाएगी व्हाट? थीटा इनटू व्हाट? आर प्लस थीटा इनटू आर प्लस। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। अब हमारे पास क्या है? ओपी। तो यहां पे क्या है? ओपी इज इक्वल टू व्हाट? केएल इज इक्वल टू व्हाट? एम एन इज इक्वल टू व्हाट? डीएक्स। डीएक्स इज इक्वल टू हमारा कितना आया यहां पे? थीटा इनटू आर। ओके, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव की थी। यहाँ पे हमारा OP की वैल्यू कितनी आ रही है? थीटा इनटू आर। और O डैश P डैश की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? थीटा इनटू आर प्लस सेकंड इक्वेशन वाली। इन दोनों रिलेशन को हम यहाँ पे पुट करते हैं। ओके, तो O डैश P डैश हमारा क्या हो जाएगा? थीटा इनटू आर प्लस वाई आर प्लस OP कितना हो जाएगा? थीटा इनटू व्हाट? आर डिवाइडेड बाय OP कितना है हमारा? थीटा इनटू थीटा कॉमन आके क्या हो जाएगा? 0। थीटा बाहर आ जाएगा तो कौन जीरो हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा? आर प्लस आर प्लस वाई माइनस आर डिवाइडेड बाय व्हाट? माइनस आर आर। तो यहाँ पे होगा क्या? आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा हमारा? वाई डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पे आर क्या है हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, और वाई क्या है? डिस्टेंस From neutral axis of that fiber. Okay. Fiber मतलब ये पूरी जो line चल रही है इस तरह से। कितनी distance हमने मानी है? Y मानी है।
राइट। तो स्ट्रेन को हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हुक्स लॉ वैलिड है। तो हुक्स लॉ का हमारा रिलेशनशिप क्या यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हमारा रिलेशनशिप आएगा व्हाट, सिग्मा। इसे हम यार और क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू व्हाट, ई मॉडुलस वेलोसिटी इनटू यहां पे एफ इज इक्वल टू ई, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, वाई बाय। ओके तो ये हमारा, ये हमारा एक पार्ट हो गया फ्लेक्सर ऑफ बी, इसको हम लिख सकते हैं एफ बाय वाई इज इक्वल टू व्हाट, ई बाय। ओके यहां पे जो ये एफ है, यहाँ पे जो ये एफ है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। ओके तो बेंडिंग स्ट्रेस इज व्हाट, यहाँ पे ई हमारा क्या है, कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है, तो बेंडिंग स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वाई। वाई हमारा क्या है, देखते हैं क्या बनता है हमारा, जैसे हमारी क्या है, कोई बीम है। ओके इस बीम का हमारा क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर अज़ीम, ओके, जिसकी डेप्थ क्या है हमारी डी है, और विड्थ उसकी, विड्थ उसकी डी है, इस बीम की जो लेंथ है, और इस बीम की जो लेंथ है वो एल है। तो यहाँ पे किसी लोडिंग के कारण ये बीम में क्या आएंगे, बेंडिंग फोर्सेस आएंगे, और बेंडिंग बेंडिंग मोमेंट के करस्पॉन्डिंग हमारे क्या आएगा, इस क्रॉस सेक्शन बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस जो होंगे वो क्या होगा, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। हमारा स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन ई इज इक्वल टू व्हाट, वाई आर, राइट। आर हमारा क्या है, उसका कांस्टेंट है, तो ई इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वाई। ई इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ई इज प्रोपोर्शनल टू वाई। वाई क्या है, यहाँ पे इसकी अलग अलग फाइबर की जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो हमारा वाई है, राइट। तो हमारा यहाँ पे स्ट्रेन कैसे वेरी करेगा, वाई से न्यूट्रल लेग स्ट्रेस स्ट्रेन की वैल्यू कितनी तक रहेगी हमारी, फिर धीरे-धीरे क्या होगी, ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी, राइट। यहां पे ये वाई के मैग्नीट्यूड से, यहां पे आर बाय वाई बार, सॉरी, ओके। और यहां पे एक्सट्रीम फाइबर पे वाई की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, एक्सट्रीम फाइबर पे वाई क्या हो जाएगा हमारा, मैक्स स्ट्रेन की वैल्यू, यहां पे स्ट्रेन की वैल्यू स्ट्रेन ई मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, वाई बाय। सिमिलरली हमारा टेंशन में भी यही चलेगा इस तरह से, तो स्ट्रेन का डायग्राम हमारा ई मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, वाई मैक्स, यहाँ पे वाई मैक्स हो जाएगा, ये वाई बी और वाई बॉटम क्या है, स्ट्रेन डायग्राम आ गया। तो स्ट्रेस डायग्राम हमारा कैसा है, सिग्मा, या फिर हम एफ बेंडिंग स्ट्रेसेस किस तरह से फॉर्म कर रहे हैं, एफ इज इक्वल टू व्हाट, ई इंटू वाई अपॉन आर। तो यहाँ पे भी ये कांस्टेंट चल रहा है, और ये एफ इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एफ इज प्रोपोर्शनल टू वाई। तो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेसेस हमारे क्रॉस सेक्शन पे कैसे चलेंगे, कुछ इस तरह से, राइट। यहाँ पे हमारा एफ मैक्स होगा, और एफ मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई मैक्स डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ पे ई ई इनटू वाई मैक्स इनटू बाय आर। ओके इस तरह से हमारे क्या होंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस बनेंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस। ओके तो ये हो गया जब हम उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कंसीडर करके चलते हैं। अब हम बेंडिंग मोमेंट के साथ इसका रिलेशन, बेंडिंग स्ट्रेसेस का। ओके उसके लिए हमारे पास क्या है, जैसे ये कोई क्रॉस सेक्शन है, इस बीम का ये क्या है हमारा पास, क्रॉस सेक्शन, राइट राइट। फिर हम शुरू से देखें, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारी बीम है, एक मिनट, ओके ये बीम, ओके ये बीम है, में हमने यहाँ पे एलिमेंट कट किया है, और हमारा मोमेंट क्या लग रहा है, एम लग रहा है, ओके। तो यहाँ पे भी मोमेंट कितना लग जाएगा हमारा, अगर उसका मतलब एक्सटेंशन देखें, तो यहाँ पे ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पे ये डी है। इस डी एक्स एलिमेंट को हम निकाल के लाते हैं, बी सी एंड डी, यहाँ पे मोमेंट कितना लग रहा है, यहाँ पे मोमेंट क्या लग रहा है।
यहाँ पे मोमेंट क्या करते हैं ए टू सी, मतलब थ्रू आउट ए टू सी वैल्यू क्या है, डीएक्स लेंथ में हमारा मोमेंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, मोमेंट वैल्यू हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो मोमेंट वैल्यू को हम बेंडिंग स्ट्रेसेस के करस्पोंडिंग फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे, जैसे ये हम हमारी क्या है, इस बीम का क्या है क्रॉस सेक्शन, इस बीम का क्या है क्रॉस सेक्शन, इसका हमारा क्या है यहां पे ये जो बीम है इसका हमारा क्या है यहां पे ये, ओके, जिसकी डेप्थ कितनी है हमारी डी है और क्रॉस सेक्शन ये हमारा क्या है न्यूट्रल एक्सिस है, जिसकी डेप्थ कितनी है हमारी, ऊपर हमने यहां पे एलिमेंट लिया उसके ऊपर स्ट्रेस के करस्पोंडिंग हम हमारे स्ट्रेसेस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर नहीं एलिमेंट या स्ट्रेस का करस्पोंडिंग स्ट्रेसेस कितना माना है, ओके, तो यहां पे हमारा स्ट्रेस स्ट्रेसेस हमने क्या माना है और यहां पे इसकी जो डिस्टेंस ये हमने क्या मानी है वाई मानी है, ओके, और यहां पे जो डिस्टेंस ये हमने क्या मानी है वाई मानी है, अगर हमारी zz एक्सिस का मोमेंट इस z के अबाउट का भाई हमारी zz एक्सिस का मोमेंट और डेटा है इंटीग्रेशन ऑफ fx व्हाट इनटू fx ये क्या है मोमेंट क्या होता है, मोमेंट क्या होता है हमारा फोर्स इनटू लीवर, फोर्स इनटू लीवर, फोर्स इनटू लीवर फोर्स क्या होता है स्ट्रेस इनटू एरिया, राइट fx इनटू स्ट्रेस इनटू कितना माना है एरिया माना है, ओके, यहां राइट fx इनटू इसका एरिया मैंने कितना माना है d, ये क्या हो गया, तो यहां पे इसका एरिया कितना हो जाएगा मेरा d fx इनटू y, ये क्या हो गया फोर्स हो गया और इसकी लिवर से न्यूट्रल से कितनी है, यहां पे fx की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, इसमें क्या हो जो यहां पे fx की वैल्यू का कैलकुलेट कर रहे हैं f इज इक्वल्स टू व्हाट e इनटू y अपॉन r, ओके, तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा mz इज इक्वल्स टू व्हाट e इनटू y अपॉन r इनटू da इनटू y, e अपॉन r हमारा क्या है कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन बाहर लेते हैं तो हमारे पास यहां हो जाएगा e अपॉन r इनटू व्हाट y स्क्वायर इनटू da, राइट, तो ये रिलेशनशिप आया mz का, तो यहां पे y स्क्वायर इनटू da क्या है मेरा किसी भी क्रॉस सेक्शन का y स्क्वायर अपॉन da का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको क्या लिखते हैं इज इक्वल टू व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर da, इसको हम i से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा m इज इक्वल टू व्हाट e, इसको इंटीग्रेट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के करस्पोंडिंग तो हमें क्या मिलेगा उसका सेक्शन ऑफ इनर्शिया, ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगा m इक्वल टू y इक्वल टू m इज इक्वल टू ei अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं m अपॉन व्हाट i इज इक्वल टू व्हाट e बाय r, राइट, तो ये e बाय r किसके बराबर इज इक्वल टू व्हाट f बाय y, राइट, f बाय y, ओके, इस तरह से हमारा पूरा का पूरा क्या है फ्लेक्सुरल फॉर्मूला है, ये है हमारा फ्लेक्सुरल फॉर्मूला, ओके, तो ये हो गया हमारा फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। नाउ देखें कि अगर हम इन दो चीज़ों को देखें तो ये f क्या है हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस है और m क्या है मोमेंट है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होगा हमारा m इज इक्वल टू m अपॉन i इज इक्वल टू व्हाट f अपॉन y, राइट, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू व्हाट f इनटू i अपॉन y, i अपॉन y, यहाँ पे जो i अपॉन y है वो एक्सट्रीम फेवर क्या होगा हमारा i अपॉन y मैक्स, जो आई अपॉन वाई मैक्स होता है इसे हम कहते हैं सेक्शन मॉडुलस, क्या कहते हैं सेक्शन, ये हमारे उस बीम की जो बेंडिंग स्ट्रेंथ है उसको रिप्रेजेंट करता है, जितना ज्यादा सेक्शन मॉडुलस होगा उस बीम की बेंडिंग कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी ज्यादा रहेगा, अगर कोई मटेरियल है एफ क्या है हमारा उस एक्सट्रीम फाइबर में या उस फाइबर में लगने वाला बेंडिंग स्ट्रेसेस, ये क्या है हमारा बेंडिंग, ये क्या है हमारा बेंडिंग, हमने सबसे पहले हुक्स लॉ स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप देखा था, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप देखा था, स्ट्रेस है वो क्या होता है यहाँ पे हमारा ऐसे है क्या है इस बीम में हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो करस्पॉन्डिंग हमारा क्या स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा, फिर यहाँ पे यील्ड कर जाएगा, यील्ड के बाद क्या होगा ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देगा, स्ट्रेन हार्डनिंग और नेकिंग फेल कर जाएगा,
तो मतलब आप देख रहे हैं कि इलास्टिक लिमिट इसमें क्या है, स्ट्रेन की वैल्यू बहुत कम है, मतलब स्ट्रक्चर में यहाँ तक रहता है, अगर लोड हमारा यहाँ है तो हमारा क्या स्ट्रक्चर में जो डिफॉर्मेशन होंगे वो भी कम रहेंगे, और जैसे ही लोड हटाएंगे ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन को गेन कर लेता है। लेकिन लोड बियॉन्ड इससे थोड़ा से भी ज्यादा लगा था इसमें लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गया, मतलब ये एफ वाई लोड पे इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एफ वाई वैल्यू कहते हैं। तो एफ वाई पे ये बीम अगर हमारी इतनी बैंड कर रही थी, एफ वाई प्लस वन पे हमारी बीम कितनी इस तरह से लार्ज डिफॉर्म कर जाएगी। हम कोशिश करते हैं कि हमारे बीम में जो स्ट्रेसेस हैं वो हमारे यील्ड से कम रहे, अगर हमारा माइल्ड स्टील है तो, राइट। तो यील्ड से कम रखने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके जो एक्सट्रीम फाइबर मैक्सिमम स्ट्रेसेस की जो वैल्यू है, मैक्सिमम स्ट्रेस है वो कितना होगा हमारा F5। हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो अगर माइल्ड स्टील है तो 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होगा, पर हम क्या 250 को अचीव करने का वेट कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं कि एक लिमिट लेते हैं, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस पे एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं। तो परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस कितना हो जाएगा हमारा Fy डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये हमारे क्या हो जाएंगे परमिसिबल। जैसे ही हमारे यहाँ पे कोई बीम स्ट्रेसेस, ये बीम है, मतलब क्या होगा कि जैसे ही हमारे यहाँ पे बीम है ट्रांसफर होने के कारण ये बीम क्या होगी मेरे कुछ इस तरह से बेंड कर जाएगी। ओके, ये बीम मेरी जो है तो ये बीम मेरी जो है वो बेंड कर जाएगी, इस तरह से बेंड कर जाएगी, राइट। तो बेंड के कारण यहाँ पे क्या होगा, इसमें ये बेंड कारण यहाँ पे ये एलोंगेशन सा है, ये जो एलोंगेशन है उसके करस्पोंडिंग यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेन आएगा और स्ट्रेन के करस्पोंडिंग स्ट्रेन आएगा और स्ट्रेन के करस्पोंडिंग क्या हमारी एफ की वैल्यू आती रहेगी, यहाँ पे एफ बढ़ता जाएगा जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन आएगा उसमें मतलब ये जो है वो कंटिन्यूअसली इलॉन्गेशन करता जाएगा और हमारे बीम यूज नहीं आएगी। तो हम करते हैं कि इसकी स्ट्रेन जो है वो इलास्टिक लिमिट रेस्ट्रिक्ट करें, इलास्टिक लिमिट रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या है कि इसकी जो स्ट्रेन है उस को Fy से क्या रहे हैं कम रहे, या फिर इसकी जो परमिसिबल स्ट्रेसेस है जो हम डिफाइन करते हैं कि हम इस बीम को Fy और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम जैसे लेते हैं दो, मतलब 125 इस एक्सट्रीम फाइबर में स्ट्रेस जनरेट नहीं करेंगे, मतलब जो हम बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे हमने अगर माना वो कैसा है हमारा रेक्टेंगुलर है, तो इसके करस्पोंडिंग जो स्ट्रेन है यहाँ पे ये ई मैक्स और इसके करस्पोंडिंग जो बेंडिंग स्ट्रेसेस है यहाँ पे क्या है एफ मैक्स, एफ मैक्स की वैल्यू मैं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कितनी 125 न्यूटन पर एमएम। जब एफ मैक्स की मैक्सिमम मोमेंट कितना लगा सकता हूँ उसके ऊपर मैं एम max is equal to what into what f max by y max। okay, I क्या है यहाँ पे इनर्शिया, I क्या है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे हमारे क्या है इनर्शिया, यहाँ पे हमारे क्या है रेक्टेंगुलर बीम है, रेक्टेंगुलर बीम में जब हम इस एक्सिस का मोमेंट इनर्शिया i x x हमारा क्या होता है इसको हम i मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी में इस बीम फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये हमारी क्या होगी मैक्सिमम मोमेंट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय दिस मैक्सिमम मोमेंट ये इतना रेजिस्ट कर सकता है जब हमारी वैल्यू एफ स्ट्रेस की वैल्यू भी उसकी परमिसिबल लिमिट को टच कर रही है और वो भी हम कहां पे स्टडी कर रहे हैं फाइबर पे। ओके, तो जब अगर हमें एम मैक्स पता चल गया
एमएक्स पता चल गया इस बीम पे हमारी जो लोडिंग है हमारी उसके कारण हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से बना माना। ओके तो बेंडिंग मोमेंट में यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू कितनी है एम वन है और एम थ्री है। ओके तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है एम मैक्स एम मैक्स क्या हो जाएगा मैक्सिमम व्हाट मैक्सिमम ऑफ एम वन एम टू और एम। तो अगर मेरे को बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पता चल गई तो उसके करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे इसकी लोडिंग की जो पी लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट आया है वो मैं फाइंड करता हूँ। अगर मेरे को यहाँ पे एम मैक्स इज इक्वल टू व्हाट एफ मैक्स इंटू आई अपॉन वाई मैक्स ये वैल्यू मैं पता है इससे मैंने यहाँ पे एम मैक्स फाइंड आउट क्या होगी यहाँ पे आ रही है एम वन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये M1 है वो सबसे ज्यादा है तो M1 के करस्पोंडिंग में P कितना लगा सकता हूँ ये वो पता है मैक्सिमम लोड इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल पे कितना लोड लगा सकता हूँ ये मेरे को पता चलेगा। यही अल्टीमेटली हमारा डिजाइन का कंसेप्ट रहता है कि हम किसी P लोड के लिए इसका हम रिवर्स भी चल सकते हैं कि P लोड के लिए हमें कितना क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड कराना है मटेरियल ये भी हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको और हम कुछ एग्जांपल के साथ अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।